यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पीएम मोदी की रैली के बाद हुई पत्थरबाजी में शहीद हुए कांस्टेबल पर बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने कहा कि भीड़ की ओर से की गई यह हत्या सही नहीं है, जनता को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है और इस तरीके से भीड़ तंत्र को संयम रखना चाहिए। पथराव कर दिया उन्होंने, उसमें एक हमारे बहादुर जवान शहीद हो गया। हम पूरी पार्टी दुखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हैं। सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया है, 40 लाख रुपया उनकी पत्नी को और 10 लाख रुपए उनके माता पिता को दिए जाएंगे। असाधारण पेंशन उनके परिवार को मिलेगी, उनके यहाँ जो भी आश्रित होंगे उनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी।